तुम्हें लगता है लेकिन हमें पूरा यकीन है। यकीन है हाँ। सच्ची में जाकर ऐसे दादी करेक्ट खानदानी चीजों को ला हमें दो। न्यू लुक नहीं आ रहा सर। चल यानी दर्दनाक से एनर्जी चल चल युवराज यही पसंद करता था पर ये लड़की बीच में आ गई। पसंद करता था नहीं दादी। हाँ दादी मुझे भी ऐसे ही लगता है पर युवराज तुम्हें पसंद करता था और करता है। दादी इस बात का कंफर्मेशन कैसे होगा? एक तरीका है अगर तुम युवराज से कह दो। फोन रखते हो। अगर तुम युवराज अपने प्यार के बारे में कह दो तो उसके हाव भाव से पता चल जाएगा कि सच क्या है। दादी आपको पता है कल रात ना युवराज में सब बहुत कंफर्टेबल और हम दोनों ने इतनी बातें की कि ऐसा लगा ही नहीं कि हम दोनों के बीच में कभी कोई झगड़ा हुआ था। मुझे तो ऐसा लगता है शायद वो अभी भी मुझे लाइक करता है। तुम्हें लगता है हमें तो पूरा यकीन है। सच्ची मुझे राम बाबू डब्बे दे दो मैम क्या तुम्हारे आए छोटे हैं इससे बड़े चाहिए। ये मोटा है। ऑर्डर सर। आप लोग बैठिए। युवराज तुम्हें ही चाहता है बस। हर बार की तरह ये लड़की इस बार भी बीच में आ गई। तुम्हें ही चाहता है हर बार की तरह ये लड़की फिर बीच में आ गई। हाँ दादी मुझे भी ऐसा ही लगता है। सौम्या युवराज तुम्हें ही पसंद करता था और करता है। दादी इस बात का कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? एक तरीका है। हाँ युवराज तुम्हें ही चाहता है और हर बार की तरह चाहता है पर हर बार की तरह ये लड़की फिर बीच में आ रही है। हाँ दादी मुझे भी ऐसा ही लगता है। सौम्या युवराज तुम्हें ही पसंद करता था और करता है। दादी इस बात की कंफर्मेशन कैसे मिलेगी? एक तरीका है। क्या दादी? अगर तुम युवराज को अपने प्यार के बारे में कह दो तो उसके हाव भाव से पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। दादी जैसे आपको पता है कल रात ना युवराज में था और हम दोनों ने इतनी बातें की कि ऐसा लगा ही नहीं कि हम दोनों के बीच में कभी कोई झगड़ा हुआ था। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो अब भी मुझे लाइक करता है। लगता नहीं है हमें तो पूरा यकीन है।
तुम्हें लगता है? तुम्हें लगता है? हमें पूरा यकीन है। चल गया। अरे तो यहाँ तो वन शॉट रहेगा? तुम्हें लगता है? हमें तो पूरा यकीन है। तो दादी, मुझे उसे तो क्या मैं सच्ची जाकर उसे तो दादी क्या मैं सच्ची जाके उसे दादी दादी।